हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये उसका 19वां वीडियो रेगुलर आ रहा है। हर रुबा 7 बजे ये वीडियो आपके सामने आ जाता है, जिसमें कि अगले 10 क्वेश्चंस में लेके आता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो कि सिविल सर्विसेज या फिर अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें, जिसमें कि मैं हर रोज नए 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लेके आता हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश जीके, आईटी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, सभी की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप उन सभी वीडियोज़ को देखकर अपने एग्जाम की भरपूर तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 19वां वीडियो, जिसमें कि अगले 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में, जिसमें कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा रेफरल कोड लगाएं और प्लस की यूजर्स बन के आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। अभी बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है अनअकैडमी पर, जिसमें कि आपको 15% स्पेशल डिस्काउंट और 10% रेफरल कोड डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा, जो कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के नवंबर तक ये वैलिड है। जो कि अभी हाल में जो प्राइस था वो 16,000 था, डाउन करके 13,600 हुआ, 15% का ड्रॉप। और रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको सीधा जो कोर्स पड़ेगा वो 12,240 रुपये में पड़ेगा, जो कि फाइनल प्राइज है। तो ये मौका आपको वहाँ से नहीं जाने देना चाहिए, जिसमें कि आपको सीधा 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि वैलिड है 30 नवंबर तक, ये ऑफर चल रहा है। तो तुरंत ही आप अनअकैडमी के इस स्पेशल प्राइज का फायदा उठाएं और सब्सक्राइब करें 24 महीने का प्लान। अनअकैडमी में फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं प्लस में आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन और 2000 से अधिक क्वेश्चंस यहां पे आपको कवर किए जाते हैं। अनअकैडमी में पढ़ने के फायदे क्या है यहाँ पर ये समझ लेते हैं। लर्न फ्रॉम द फेवरेट टीचर, स्ट्रक्चर लर्निंग होती है डिफरेंट बैच को डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन लाइव क्लास में, इंटरेक्शन पोल कमेंट्स क्विज के द्वारा, एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस सभी एडुकेटर्स का, सिंगल कैटेगरी में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी में स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फ्री मॉक पास होती है, जो कि हर संडे मिलता है सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे, जिसमें कि 50% और 25% की स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। अनअकैडमी पर गुरु मार्गदर्शन, सब्जेक्ट वाइज फ्री एमपीपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है, जो कि 24 तारीख, 26 तारीख और 29 नवंबर को ये कंडक्ट की जा रही है, जिसमें कि कंप्लीट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक को यहाँ पर अमेजन के गिफ्ट कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें ज्वाइन करके आप इस सीरीज से ये प्राइजेज जीत सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली T20 टेस्ट सीरीज, जो कि हर रोज 8 बजे आपको, और इसका एनालिसिस 8:30 बजे मिलता है, जो कि 20 करंट अफेयर्स का 20 मिनट्स का यहाँ पर एनालिसिस होता है, जिसमें कि फर्स्ट 10 रैंक होल्डर को 25% की स्कॉलरशिप और सेकेंड 2 साल की सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर ये स्कॉलरशिप मिली जाएगी। एमपीजी के ब्रह्मास्त्र का फ्री रिविजन टेस्ट वीकली चलता है यहाँ पर हर थर्सडे। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का फुल लेंथ कोर्स, जो कि फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है, जो कि हर रोज सुबह इवनिंग में 7 बजे आपको मिलता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये स्टेनोग्राफर का प्लस का कोर्स अभी स्टार्ट होने हुआ है, जो कि आज ही 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। Grade 2 और 3 और असिस्टेंट Grade 3 के बैच कोर्स है, तो इसमें आपको प्लस में सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें आप एक्सेस कर पाएंगे। रेफरल कोड लगाकर आप 10% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवाहा। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स 30 नवंबर से इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अगला बैच कोर्स 8 मंथ का फाउंडेशन बोर्ड बैच कोर्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। अगला बैच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और स्टार्ट हो रहा है स्टेनोग्राफर Grade 2, 3 और असिस्टेंट Grade 3 बैच का, जो कि 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इसको ज्वाइन होकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नवंबर के सारे बैचों का आपको एक्सेस मिलेगा अगर आप प्लस के यूजर्स बनते हैं तो, और दिसंबर के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा, जो कि दिसंबर में स्टार्ट किए जाएंगे। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन डिफरेंट प्लान के होते हैं यहाँ पर, जो कि हैं 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने। तो आपको किसी भी एक प्लान को चूज करते हुए रेफरल कोड लगाना है, हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस के यूजर्स आप बनेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें एमपीपीएससी वेपन्स के एग्जाम्स के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं।
मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलेगा, जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस क्यूज बन के आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट। पहला क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर्स का। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? पल्लवी फौजदार, मीरा मोहंती, फातिमा बानो या फिर कोमल पाटोले। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो सी विकल्प इसका सही है, फातिमा बानो, जो कि लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है। और ये लद्दाख के चौसकोरे गांव की रहने वाली है फातिमा बानो, जो कारगिल की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो कि लद्दाख की निवासी है। ये कारगिल की हैं, ठीक है ना, और इनको ये प्रमाण पत्र मिला है। और स्थानीय अधिकारियों ने इनको ये भी ये बताया कि कारगिल के अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी त्युसरिंग मोटापे ने तहसीलदार कार्यालय मंक से ये पहला निवास प्रमाण पत्र अभी हाल ही में जारी किया है। सेकंड क्वेश्चन, पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभालने हाल ही में किसने ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र वर शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दो बार दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए विकल्प सही है, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, जिन्होंने कि हाल ही में पश्चिमी कमान के ये चीफ ऑफ स्टाफ का पद इन्होंने ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वनपुरा का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही विकल्प है श्रीलंका, ये श्रीलंका की कप्तान थी, जिनका कि 18 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 18 अक्टूबर का को निधन हुआ। ये टोटल 68 वर्ष की उम्र थे और ये ठोस तकनीकी वाले सलामी बल्लेबाज थे जो कि ओपनिंग करते थे और तेज गति की गेंदबाजी में भी सक्षम थे, यानी कि ऑलराउंडर थे, फास्ट बॉलर थे और साथ में सलामी बल्लेबाज थे। इन्होंने 1975 से लेकर 1982 के बीच में टोटल 4 टेस्ट मैच खेले हैं इन्होंने और साथ ही साथ में 12 वनडे मैच भी इन्होंने खेले। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आरबीआई ने साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े निर्देशन को पालन नहीं करने वाले पर कितने रुपए का जुर्माना अभी हाल ही में लगाया? और ये बैंक जो थी वो थी स्टैंडर्ड चार्टेड, इस पे कि ये जुर्माना लगाया, कितना लगाया है? 4.85 करोड़, 3.55 करोड़, 2.98 करोड़ या फिर 1.95 करोड़। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी विकल्प सही है, 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक पर लगाया अभी हाल ही में। और ये आरबीआई के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी के जुड़े हुए जो मामले होते हैं, ठीक है ना, उनकी जानकारी तय समय के भीतर नहीं देने के मामले के खिलाफ में ये कार्रवाई की गई है आरबीआई के द्वारा। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि टोटल 14 बैंक है, इन पर ये इस तरीके के जुर्माने लगाए गए हैं लगातार, जो कि पैरामीटर फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट सभी बैंक को मिलाकर ये 14 बैंक बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा, आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? WHO, विश्व व्यापार संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है यूनिसेफ के साथ में मिलकर, जो कि आईसीसी है, उन्होंने बच्चों और किशोरों के जो मानसिक स्वास्थ्य है और उनके कल्याण के को लेकर जो जागरूकता जगाने के लिए ये यूनिसेफ ने एक मुहिम छेड़ी है और इससे हर बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यूनिसेफ ने एक विश्वव्यापी अभियान भी चलाया जिसका नाम है #onyourmind, ठीक है ना, #onyourmind, ये अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, ठीक है ना। और इस अभियान के तहत आईसीसी जो आईसीसी है वो वैश्विक मंच का प्रयोग कर, ठीक है ना, इस विषय पर यूनिसेफ के कार्यों का भी प्रचार किया जाएगा साथ ही साथ में, और इसमें एक प्रसारण और डिजिटल चैनल भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन रूरल वुमेन निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल या फिर 15 अक्टूबर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला।
विकासशील देशों में लगभग 43%, ध्यान रखिएगा 43% जो महिलाएं हैं वो कृषि कार्य से जुड़ी हुई हैं, कृषि श्रमिक हैं जो, ठीक है ना, तो कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं और खाद्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ग्रामीण विकास, कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं का जो महत्व होता है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। तो ये प्रमुख उद्देश्य था इसमें, जिसके कारण ये 15 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल का परीक्षण किया? भारत, बांग्लादेश, चीन या फिर रूस? तो इसका जो सही विकल्प है वो है चीन। चीन के द्वारा अभी हाल ही में परमाणु सक्षम जो हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल है इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया, और जिससे अपने लक्ष्य को की ओर जाने के लिए ये उससे पूर्व पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है ना, पूरी अर्थ का एक पूरा एक राउंड लगाएगा। और इसमें अमेरिका, ध्यान रखिएगा, अमेरिका और रूस, रूस और चीन सहित ये 3 देश हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना, और ये ध्वनि से 5 गुना तेज गति से यात्रा करती है। हालांकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी तुलना में इसकी धीमी गति है, लेकिन फिर भी ये काफी तेज है। और इसमें चीन, अमेरिका और रूस ये तीनों ही इस तरीके की मिसाइलों की टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, जिसको बोलते हैं PSU, को राष्ट्र को समर्पित किया? 10, 7, 4 या 3? तो इसका सही विकल्प है 7। टोटल 7 ऐसे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जो कि राष्ट्र को समर्पित किए, और ये आत्मनिर्भर भारत, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, के तहत भारत का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर की स्थिति प्रदान करना, ये एक बहुत ही बड़ी सैन शक्ति बनाना केंद्र सरकार का ये प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तरी कोरिया, भारत, पाकिस्तान या फिर जापान? तो इसका जो सही विकल्प है वो है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और दक्षिण कोरिया सेना के अनुसार उत्तरी कोरिया ने जापान के समुद्री तट के करीब पनडुब्बी से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, ठीक है ना, और दागी गई मिसाइल की जो रेंज है वो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर लगभग 450 किलोमीटर की दूरी आंकी गई है। और ये किसने किया? दक्षिण कोरिया ने, ठीक है ना, इसकी रेंज है, मतलब ये मिसाइल 60 किलोमीटर ऊपर जाएगी और इसकी रेंज है वो 450 किलोमीटर बताई गई है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10वां, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न। विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अक्टूबर या फिर 25 अप्रैल? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 20 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है ये विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें विश्व सांख्यिकी दिवस एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में इसको आयोजित किया जाता है, और ये सबसे पहली बार इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 2010 में। तो ये थे 10 प्रश्न जो मैं आपके सामने लेके आया करंट अफेयर्स के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस तरीके के लगातार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप लगातार मेरी इस वीडियो के जो कि करंट अफेयर्स के हैं और साथ ही साथ अन्य टॉपिक के जितने भी वीडियोज हैं वो देख पाएंगे, जो कि है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, मध्य प्रदेश GK और अन्य टॉपिक। तो सभी तरीके के वीडियोज जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, आप लगातार देखते रहिए मेरे चैनल के साथ में। तो इसी के साथ में मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।